नमस्कार दोस्तों, एच एल ट्रिकी जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे एशियाई खेल एवं अन्य प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा से जुड़ी हुई पॉइंट्स। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहां पर किया गया। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन सन 1930 उरुग्वे में किया गया। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था। वही बात करें वो कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल का आयोजन दो बार किया है। तो ऐसे देश हैं फ्रांस, ब्राज़ील, मैक्सिको और इटली। ये ऐसे चार देश हैं जिन्होंने विश्व कप फीफा फुटबॉल का आयोजन दो दो बार किया है। फ्रांस ने 1938 में और 1998 में, जबकि ब्राज़ील 1950 और 2014 में, जबकि मैक्सिको 1970 और 1986 में। और वहीं बात करें इटली 1934 और 1990 में जो है दो दो बार आयोजन कर चुका है। ये भी यूपी टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं बात करें कौन सा स्टेडियम इरविन एम्फीथिएटर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से प्रसिद्ध है राष्ट्रीय स्टेडियम, ये नई दिल्ली में है और ये इरविन एम्फीथिएटर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं बात करें दक्षेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया। तो दक्षेस खेलों का आयोजन 1984 नेपाल काठमांडू में किया गया। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो दक्षेस या सार्क खेलों का आयोजन अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो दक्षेस खेलों का आयोजन अब तक 12 बार किया जा चुका है। और वहीं बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1984 में किया गया। और वहीं बात करें राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव सन 1975 में प्रारंभ किया गया। वहीं बात करें IAAF का पूरा नाम क्या है। तो IAAF का पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, तथा इसकी स्थापना 1912 में की गई और IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। वहीं बात करें बैडमिंटन में थॉमस कप, उबेर कप जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष पर किया जाता है। बात करें थॉमस कप पुरुष से संबंधित है जबकि उबेर कप महिला से संबंधित है। और वहीं बात करें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वहीं बात करें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया। तो स्नूकर और बैडमिंटन ये अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया। वहीं बात करें 2018 का विश्व कप फुटबॉल रूस में आयोजित किया गया, जबकि वर्ष 2022 का विश्व कप फुटबॉल दोहा और कतर में आयोजित किया जाना है। वहीं बात करें 2018 रूस में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर किसे बनाया गया। तो वर्ष 2018 रूस में आयोजित विश्व कप फुटबॉल का शुभंकर जाबी वाका को बनाया गया। वहीं बात करें बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत वर्ष 1903 में हुई थी और इसका पहला विजेता रहा बोस्टन अमेरिकन्स था, इसका पहला विजेता। वहीं बात करें क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ। तो क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ और एक दिवसीय मैच चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। वहीं और प्रश्नों पर चर्चा करें खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं जिन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्लास्टिनी सीन संकेतक बोर्ड किस खेल में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिनी सीन संकेतक बोर्ड लंबी कूद में प्रयोग किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। और वहीं बात करें SAI का पूरा नाम क्या है। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। वहीं बात करें खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक खेल प्रतियोगिता है तथा इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में नई दिल्ली, जबकि द्वितीय संस्करण जनवरी 2019 पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाना है। वहीं बात करें अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
वहीं बात करें इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है, तो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से तात्पर्य है संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता से संबंधित, जबकि विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता को एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहते हैं। वहीं और प्रश्नों पर चर्चा करें तो एशियाई खेल अन्य प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट से संबंधित, तो यहां से प्रश्न ये बनेंगे 1991 में मार्डेका कप जीतने वाला दल था, कौन सा दल था? तो 1991 मार्डेका कप जीतने वाला दल था एडमिरा वॉकर ऑस्ट्रिया। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया और ये प्रतियोगिता 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। वहीं बात करें प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, तो प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 नॉकआउट प्रतियोगिता को बहिष्कृत प्रतियोगिता भी कहते हैं, और दूसरा है लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि तीसरा है सम्मिलित टूर्नामेंट और चौथा है चुनौती टूर्नामेंट। तो ये है प्रतियोगिता के प्रकार, 4 प्रकार की होती है, और नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। जी हाँ, नॉकआउट को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। वहीं बात करें कुल 11 टीमों में 22 की संख्या कितनी होगी? 5। अगला क्वेश्चन, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है? चैलेंज टूर्नामेंट से संबंधित है। वहीं बात करें राउंड रॉबिन किस प्रकार की प्रतियोगिता है, तो राउंड रॉबिन जो है लीग किस्म की प्रतियोगिता है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, लीग प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, तो लीग प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 सिंगल लीग प्रतियोगिता और नंबर 2 डबल लीग प्रतियोगिता। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? N×N-1। वहीं बात करें 10 टीमों के डबल, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल 90 मैच खेले जाएंगे। वहीं बात करें लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि फिक्स्चर की प्रक्रिया के रूप में सबसे आसान विधि किसे माना जाता है, तो लीग प्रतियोगिता में नियत या फिक्स्चर की प्रक्रिया में सबसे आसान विधि स्टीयरकेस विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है। इसमें फिक्स्चर्स सीढ़ी या सोपान की तरह बनाए जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। वहीं बात करें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में लीग और नॉकआउट दोनों प्रारूप खेले जाते हैं। तो ये थी खेल से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।